हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। बात करेंगे लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में। सब्सक्राइबर के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम लोअर सर्किट लग गया, अब क्या करें क्या ना करें। तो दैट्स वाई मैं आपको एक दोबारा वीडियो बना रही हूँ लेट इवनिंग में। कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, सो पैनिक मत होइए। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस बताऊंगी कि क्यों आज इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है और अभी आपको कुछ भी सेल नहीं करना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले, चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब। 15 रुपीज पे चला गया था, अपर सर्किट लगा हुआ था एंड देन क्लोज हुआ है 13.80 मीन्स -3.50% के डाउन ट्रेंड रिटर्न में। हाई बनाया था 15 तक, लो बनाया है 13.60। तो फ्रेंड 13.60 पे भी क्लोज नहीं हुआ, ये एक लोअर सर्किट नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। आपको पता है लास्ट 2 डेज से मार्केट नेगेटिव है। रीजंस है, रीजन बताऊंगी मार्केट नेगेटिव क्यों है। फ्रेंड सिंपल सा रीजन है कि यूएस फेड मीटिंग होने वाली है एंड उस मीटिंग में ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़े। तो इसी रीजन से थोड़ा सा पैनिक क्रिएट है, बट डोंट वरी, कल भी ये सिचुएशन थी, बट लॉयड स्टील में कल भी एक अपर सर्किट था, बट आज हमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। सेकेंड रीजन ये है कि कुछ इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, बट डोंट वरी, ये दोबारा 15 रुपीज को इजिली क्रॉस कर जाएगा। फ्रेंड्स 10 करोड़ का प्रॉफिट आया है लास्ट क्वार्टर में, तो डेफिनेटली शेयर को ग्रो करना ही करना है। ट्रस्ट रखिए एंड पैनिक मत होइए, पेशेंस रखिए। 52 वीक लो है 2.55, हाई है 28.80। पॉजिटिव थिंग है प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। आप सबको पता है प्रोमोटर्स होल्डिंग है 57.65%। तो टारगेट्स दोबारा रिवाइज करूंगी, दैट्स वाई मैंने आज ये वीडियो दोबारा बनाई है आपको, बिकॉज मॉर्निंग में मैंने जब वीडियो बनाई थी और जो टारगेट्स दिए थे उस टाइम पे फ्रेंड्स एक अपर सर्किट था, बट नाउ टारगेट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। वॉल्यूम कितना था आज का? 2 करोड़ का वॉल्यूम था फ्रेंड्स आज। तो आप सोचिए वॉल्यूम कितना अच्छा है, मींस इन्वेस्टर्स कितना ज्यादा बाय कर रहे हैं। यहाँ पे आज ये शेयर थोड़ा सा नीचे गया है तो बायर्स ने यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग की है बिकॉज उन्हें एक मौका मिला। सो 2 करोड़ का वॉल्यूम था आज, और कल वॉल्यूम था 1 करोड़ का एंड 48% ही कल डिलीवरी उठाई गई है, बट आज वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल हो गया है 2 करोड़ का। सो आप सबको पता है Q1 का रिजल्ट ऑसम आया है, नेट सेल्स बढ़ के हो गई है 50.77 करोड़ और ये अप हुई है 876.92% अगर हम कंपेयर करें ऑन ईयर बेसिस। तो फिर 867% मायने रखता है। शेयर में बने रहिए, पैनिक मत होइए, थोड़ी सी गिरावट होती है, एक दो दिन में दोबारा से बाउंस बैक करके 15 रुपीज इजिली क्रॉस कर जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, 15 रुपीज इजिली क्रॉस कर जाएगा। सो 81% लोग कहते हैं कि बाय करना चाहिए, 19% लोग कहते हैं कि सेल करना चाहिए, बट फ्रेंड्स बाय करिए, होल्ड करके रखिए। सो रीजन है मार्केट 2 डेज से नेगेटिव क्यों है कि यूएसए फेड की मीटिंग होने वाली है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, दिस इज द रीजन। बट अगर आपने क्वालिटी स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्रॉफिट अच्छा है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो टारगेट्स, आपको टारगेट लेके चलना है फ्रेंड्स, आप कल के लिए 14 रुपीज का एंड लोअर साइड आप 13 रुपीज का लेके चलिए, बट 14 रुपीज जाएगा जरूर। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉयड स्टील इंडस्ट्री शेयर। पैनिक मत होइए, सेल भी मत कीजिए पैनिक में, आपको दोबारा से इस रेट की बाइंग नहीं मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कोई भी क्वेरी है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।